जदयू और बीजेपी चाह रहा है कि आप एनडीए को छोड़ दें। भाई हटाओ, लाइव है, लाइव है। देखिए, गठबंधन हमने भारतीय जनता पार्टी से किया था पिछले लोकसभा चुनाव के समय, तब गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग तीन थे। तो गठबंधन धर्म का निर्वहन हमारा दायित्व बनता है कि जिनके साथ हमने गठबंधन धर्म का गठबंधन हमने किया, उनके प्रति हम जवाबदेह हैं गठबंधन धर्म निभाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था और है, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ हमारा गठबंधन था और है, लेकिन जो रवैया पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, जब से जनता दल यूनाइटेड आया है, हिस्से में हमारी भागीदारी नहीं हो पाई, कोई चर्चा तक नहीं हो पाई, और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस शब्द से मुझको संबोधित किया, जिस शब्द ने मुझको बहुत ठेस पहुंचाने का काम किया, मैं बहुत आहत हुआ हूं। कोई व्यक्ति नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में, जिसको मैं बड़ा भाई मानता हूं जिनको, और उनके मुंह से मेरे लिए कुछ सवाल हुआ तो कहा कि निचले स्तर की बात हो गई, नीच शब्द का इस्तेमाल मेरे लिए किया गया, बहुत दुख का विषय है। मैंने पहले भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी को अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी से हमने आग्रह किया, क्योंकि गठबंधन हमारा भारतीय जनता पार्टी से था और है, तो अमित शाह जी को पहल करनी चाहिए। और हम फिर बताना चाहेंगे कि गठबंधन हमारा उन दोनों पार्टियों से था, अभी तक शायद जनता दल यूनाइटेड से हमारा गठबंधन नहीं है। जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन की बात अगर होती है तो भारतीय जनता पार्टी को पहल करनी पड़ेगी, अमित शाह जी को देखना पड़ेगा, और उसके बाद स्थिति को देखकर हम कन्विंस होंगे कि क्या कारण था हमको नीच कहा गया, क्या कारण था हमको हिस्सेदारी से वंचित किया गया। हम इन चीजों पर पूरे तौर पे कन्विंस हो जाएंगे तब जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन की बात हम करेंगे, वरना आज की तारीख में जो व्यवहार, जो रवैया मेरे साथ हो रहा है, मैं दुखी मन से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी से मेरा गठबंधन है और रहेगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड से अब तक मेरा कोई गठबंधन नहीं है। कुशवाहा जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार और लालू यादव में दोनों में सबसे बड़ा लीडर और जनाधार वाला लीडर आप किसको मानते हैं? लालू यादव जी अब इतिहास हो गए, लालू यादव जी अब राजनीति में नहीं है, क्यों उनकी बात करते हैं, क्यों चर्चा करते हैं? अब तो चुनाव भी कानूनन नहीं लड़ पाएंगे लालू जी, सब लोगों को मालूम है। तो फिर लालू जी की ताकत और नीतीश कुमार की ताकत में कंपैरिजन करने का तो कोई विषय ही नहीं। तो नीतीश कुमार को बड़ा नेता मानते हैं? अब लीजिए, हमने जो कहा इसका अर्थ आपको समझना चाहिए। लालू जी से कंपैरिजन तब हो सकता था ना जब लालू जी थे राजनीति में, अब राजनीति में लालू जी नहीं है तो फिर उनकी ताकत से कंपैरिजन कर सकते हैं? राजनीति तो करता ही है। नहीं, अभी तो जेल में बंद है, अभी कैसे राजनीति करें? तेजस्वी यादव को आप कैसे नेता के रूप में देखते हैं, तेजस्वी यादव को भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, तेजस्वी यादव अभी ट्रेनिंग पीरियड में, जितनी अच्छी ट्रेनिंग लेंगे, अब ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग के बाद परीक्षा देनी होती है आदमी को, और ट्रेनिंग उसने ली किसी व्यक्ति ने, कितना अचीव किया, कितना एजर्व किया, वो ट्रेनिंग के बाद पता चलता है, अभी ट्रेनिंग करिए। आप उनके मेंटोर बनेंगे? हम तो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं।